नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। ब्रिटेन में जॉनसन युग खत्म हो चुका है और लिज ट्रस का युग शुरू हो चुका है। इसी के साथ अब नए तरीके से प्रशासन में लिज ट्रस काम कर रही हैं और ट्रस अपने करीबियों को कैबिनेट में अहम पद देना शुरू कर चुकी हैं। वहीं बड़ी ही बेदर्दी से वो अपने प्रतिद्वंदी ऋषि सुनक के करीबियों को बाहर का रास्ता भी दिखा रही हैं। पीएम ट्रस ने अपने करीबी और विश्वास पात्र क्वासी क्वारटेंग को चांसलर नियुक्त किया है। इसके अलावा क्वारटेंग पर तेजी से बढ़ रहे ऊर्जा संकट से निपटने का जिम्मा भी सौंपा गया है। ट्रस सुनक को हराकर 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंची हैं और यहां पर वो अपने कैबिनेट के नामों पर विचार विमर्श कर रही हैं। ट्रस ब्रिटेन की 56वीं प्रधानमंत्री हैं। महारानी एलिजाबेथ ने बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद लिज ट्रस को औपचारिक तौर पर देश का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। ट्रस ने अपने पहले भाषण में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों को प्राथमिकता करार दिया था। अपने भाषण में ट्रस कह चुकी हैं कि जो चुनौतियां हमारे सामने हैं उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। तूफान चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, ब्रिटेन के लोग बहुत मजबूती से उसका सामना करते हैं। ब्रिटेन की मीडिया की माने तो क्वासी को बिजनेस सेक्रेटरी के पद से अब सबसे अहम पोस्ट पर प्रमोट किया गया है। अब वो चांसलर के तौर पर पूरे देश के खर्चों को संभालेंगे। वो शुरुआत से ही ट्रस के समर्थक रहे हैं और उन्होंने ही इस पद के लिए ट्रस का नाम आगे बढ़ाया था। अब ट्रस ने उन्हें इतना बड़ा पद देकर इनाम दिया है। उनके सामने सबसे बड़ा लक्ष्य और प्राथमिकता आर्थिक तरक्की को बढ़ाना और महंगाई को नियंत्रित करना होगा। वो मिनी बजट के जरिए ट्रस के टैक्स में कटौती के वादे को देखेंगे। इसके अलावा वो घरों और बिजनेस ऊर्जा डील में भी मदद करेंगे। एक दिलचस्प जानकारी आपको यहां देते चलें कि लिज ट्रस की कैबिनेट में भारतीय मूल की इकलौती सांसद सुइला ब्रेवरमैन को भी जगह मिली है। 47 साल की ट्रस ने ब्रेवरमैन को गृह मंत्रालय सौंपा है और इससे पहले जॉनसन कैबिनेट में प्रीति पटेल के पास ये विभाग हुआ करता था। 42 साल की सुइला ब्रेवरमैन भारत के गोवा की रहने वाली हैं और इस समय अटॉर्नी जनरल हैं। ब्रेवरमैन ट्रस्ट की सबसे बड़ी समर्थक रही हैं। जुलाई के मध्य में जब ट्रस्ट दूसरे बैलेट राउंड में पीछे हो गई थी तो ब्रेवरमैन ने उनके लिए पूरा जोर लगा दिया था। सुइला ने उस समय कहा था, लिज अब पीएम बनने के लिए तैयार हैं, उन्हें किसी से इस बारे में सीखने की जरूरत नहीं है। यह काम मुश्किल है और इसे ठीक से करने की जरूरत है। पार्टी के लिए 6 साल काफी मुश्किल रहे हैं, स्थिरता इस समय बेहद जरूरी है। अब माना जा रहा है कि ट्रस उन्हें उनके समर्थन के इनाम के तौर पर सरकार में कोई बड़ा पद दे सकती हैं। जानकारों की माने तो लिज ट्रस जेम्स केले वेरली को विदेश सचिव बना सकती हैं। इससे पहले उन्होंने थोड़े समय के लिए शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी। वो विदेश विभाग में भी रह चुके हैं और ट्रस के जूनियर थे। ब्रिटेन के टॉप डिप्लोमेट के तौर पर उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाएंगी। इसके साथ ही साथ कई और लोगों की जगह लिज अपने लोगों को लेकर आ रही हैं। इससे ऋषि को काफ़ी धक्का लग रहा है। अब देखना है कि लिज ट्रस आगे क्या कुछ करती हैं।